हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है एके मिश्रा जी। जिस तरह से एक सवाल उठ रहा था कि अगर बसपा सपा ये साथ में लड़ते हैं तो किसके पास क्या सीटें होंगी, क्या सीटें को बंटवारा या आपसी सहमति से कर पाएंगे या बिखर जाएंगे, इसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया कि सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, दो चार सीटें कम भी मिलेंगी तो हम समझौता कर लेंगे। सिर्फ आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि अगर महागठबंधन तैयार होता है या किसी भी दो पार्टियों का, तो डेफिनेटली उससे पूरे रिजल्ट पे बहुत अच्छे तरीके से एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिजल्ट बदल सकता है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि बड़ी कठिन है डगर पंगट की। अब उसका कारण आप देखिए, अब अखिलेश यादव के पास चैलेंजेस क्या क्या है पहले आप ये देखिए। एक तो इंटरनल चैलेंजेस देखिए, इंटरनल कॉम्पिटिशन। उनकी पार्टी में, उनकी फैमिली में दो फाड़ हुआ है और दोनों ही फाड़ अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और डोमिनेट करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में अगर अखिलेश यादव का ये बयान आता है तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर यह भी एक भय व्याप्त तो हुआ मुझे दिखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने पहल नहीं की तो जो दूसरा फाड़ है उनके चाचा जी का, कहीं वो हावी ना हो जाए। इसीलिए बहुत कुछ त्यागते हुए उन्होंने अपने आप से ये प्रपोजल मायावती जी को या बसपा को ये दिया है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं यह भी उनके दिमाग में ये लगता है या सपा के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको लगता है, अब लगने लगा है कि अकेले अपने दम पे बीजेपी का सामना कर पाना, उसको रोकना मुश्किल है। तो बीजेपी के सामने ये एक आत्मसमर्पण की स्थिति है, उसके साथ साथ दोहरे आत्मसमर्पण की स्थिति है कि बिना मांगे उन्होंने बसपा के सामने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जी, ये तो दूसरा सवाल है कि बीजेपी का क्या रोक पाएंगे विजय रथ या नहीं। पहला सवाल तो ये है, क्या अपना गठबंधन ये रोक पाएंगे, क्या उस पर सहमति बनेगी या वहीं बिखर गए? क्योंकि कुछ दिन पहले मायावती ने कहा था कि अगर उनको कम सीटें मिलती हैं तो फिर वो समझौता नहीं करेंगे। मायावती या बीएसपी का अगर आप नेचर देखेंगे ना, मायावती जी का, तो वहां पे ये है कि जैसे जो मायावती जी बोल रहे हैं अगर उसको सामने वाले मान ले तो हर चीज पॉसिबल है। और अखिलेश यादव जी इसी मुद्रा में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी जो हमेशा से दूर विरोधी रही है, अगर वो टोटली जो है मतलब आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गई है तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी नहीं करेंगी, मतलब इस चीज का सम्मान नहीं करेंगी, वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डिसीजन वो अपने हिसाब से लास्ट मोमेंट तक लेंगी और अगर उस लेवल तक ये लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये जो है इन लोगों का गठबंधन बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा दिया तो क्या केंद्र में सरकार बनाने से ये रोक सकते हैं? तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब आज जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ दो और साथी ए के मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ए के मिश्रा जी, जिस तरह से हम कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में मान भी लिया, अगर नुकसान पहुंचा भी दिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी या बसपा, उसका बसपा का तो कई राज्यों में थोड़ा बहुत है राजनीतिक, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो दूसरे राज्यों में बिल्कुल वहां पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, पूरे नेशन के लिए अगर देखा जाए 2019 के इलेक्शंस का, तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप जो पैदा हुए थे 30-40 साल पहले जो राजनीति में, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही ना कि हम लोगों के गांव में जैसे एक कहावत है कि भाई थोड़ा सा इनको मिल गया, ये केवल अपने स्टेट तक ही जो है लिमिटेड रहे। 30-40 साल पॉलिटिक्स में होने के बाद भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन नहीं किया, जिसका जो है आज नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ रहा है, चाहे सपा हो या बसपा। तो सब अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। ए के मिश्रा जी, आपको बीच में मैंने रोका और साथ ही वंदना जी की आपने पूरी बात सुनी। दो तीन चीजें बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं आपको बता दूं। अभी वंदना जी जैसे बोल रही थी कि हम सब लाइक माइंडेड हैं, लाइक आइडियोलॉजी है, तो हर बार आप लोग चुनाव क्यों अलग अलग लड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये देखूं कि क्या दोनों लोग अगर एक साथ होते हैं तो ये चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। स्ट्रेटजिक कैपेसिटी की, रणनीतिक दक्षता की अगर बात किया जाए तो पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए तो इन लोगों ने बहुत सोच समझ के ही कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने भी ये डिसीजन लेते हुए कि मतलब पूरे होशो हवास में डिसीजन लेते हुए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये रणनीतिक रूप से एकदम ठीक है, दोनों ने जो है समझौता किया था, सीटों का बंटवारा किया,
वहां पे कांग्रेस ने भी ऐसे ही सीटों का समझौता किया था जो आज अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है ना कि केवल समझौता कर लेने से, सीटों का बंटवारा कर लेने से युद्ध जीता नहीं जाता है, उसके लिए इंडिविजुअल रणनीतिक दक्षता भी चाहिए। दूसरी चीज आसिफ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बार बार क्यों किसी पार्टी को, चाहे सपा हो या बसपा, बैसाखी की जरूरत आज क्यों पड़ रही है उनको बीजेपी के सामने? इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस, 3-3, 4-4 बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने रूल किया है। तो क्या आज राजनीति ऐसी हो गई है, इतनी टफ हो गई है कि इन लोगों की कैपेसिटी के बाहर चली जा रही है? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें? कुल मिला के इनको एक ही आसरा दिख रहा है कि कैसे भी आप इस तरफ बैसाखी लगा लीजिए और इस तरफ, दोनों तरफ गठबंधन की बैसाखी लगा लीजिए। अपनी क्षमता पे इन लोगों को भरोसा नहीं है क्या? मेरा सलाह तो यह है कि बेटर अपनी रणनीतिक दक्षता को बढ़ाने के लिए आप काम करें, उसी के कारण आपकी पार्टी आगे ग्रो कर सकती है। बैसाखी से ठीक है, इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी चीज आप ये देखिए, सारा मुद्दा इनका ही बन गया है कि भाई बीजेपी को रोकना है, हराना है, डेवलपमेंट के मुद्दे सारे और मुद्दे, चाहे रिजर्वेशन का हो, वो सब फीका पड़ गया। अरे एक चीज जोड़ दी इन्होंने साथ में, बीजेपी कहती देश हित में हम कार्य कर रहे हैं और ये सारी पार्टियां कहती कि देश हित में जरूरी है बीजेपी को रोकना, मतलब एक दूसरे को रोकना ही देश हित में है। क्या ये सारे देश विरोधी काम कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि सारे राजनीतिक दल के देश विरोधी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी कहती इनको रोकना देश विरोधी कर रहे हैं, अब वो कहते हैं इनको रोकना देश हित में। कौन देश विरोधी है, कौन देश का? मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि ये जो इलेक्शन होता है ना, ये वो 2 महीने की जो आंधी चलती है ना, उसमें विकास वगैरह का मुद्दा फीका पड़ जाता है। सारी पार्टियां, आप किसी से पूछो देशभक्त कौन है जी, उनको छोड़ के और कोई देशभक्त है ही नहीं इस देश में, कोई दूसरी राइवल पार्टी का आदमी देशभक्त है ही नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी। बीजेपी भी बोलती है कि विकास हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, सारी पार्टियां ये बोल रही है। देखिए कॉन्क्रीट मुद्दे पे बात करना, मिश्रा जी माफी के साथ आपको। दूसरी बात, जो ये महागठबंधन बन रहा है, इसके अंदर कॉमन मिनिमम एजेंडा है। आज क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा है? कि जो गैर सांप्रदायिक सोच के जो दल हैं वो इस महागठबंधन में आना चाहते हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है और पहले भी वो साथ थे, मगर और मजबूती के साथ और दल मिलकर के आपस के अंदर इकट्ठे होकर के इसी कॉमन एजेंडा का फायदा बीजेपी उठा रही है। मैं जानना चाहता हूँ मिश्रा जी, इसका विकल्प है तय कौन करेगा? क्या सरकार ने काम नहीं किया, ये विपक्ष तय करेगा? और क्या दूसरा सवाल ये, क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है, उनके पास जो जनता का विश्वास था वो इतना कम हो गया विपक्ष को दिख रहा है, क्या उनकी मजबूरी है एक प्लेटफॉर्म पर आना, कमजोर कमजोर सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे? क्या उनको दिखाई दे रहा है कि हम अकेले नहीं चल पाएंगे इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे? आसिफ, आपका पहला जो सवाल है ना कि ये तय कौन करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा इनोवेटिव है। देखिए हो सकता है सवाल तो मेरा ये भी है कि कमजोर कमजोर सब मिलकर, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ विकास हुआ कि नहीं हुआ ये कौन तय करेगा? ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई जनता तय करेगी। मैं बोलता हूँ जनता भी तय नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें बदल गई है। ये एडवर्टीजमेंट और प्रोपोगंडा किस तरीके से किया जाता है विकास का, ये वो मैकेनिज्म तय करता है जिससे कि पूरी जनता कन्विंस होती है कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो कन्विंस हो गई विकास हुआ है, तब तो तय हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई विकास हुआ है। मिश्रा जी, विकल्प है तय कौन करेगा? नहीं, क्या सरकार ने काम नहीं किया, ये विपक्ष तय करेगा? और क्या दूसरा सवाल यह, क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है, उनके पास जो जनता का विश्वास था वो इतना कम हो गया विपक्ष को दिख रहा है, क्या उनकी मजबूरी है एक प्लेटफॉर्म पर आना, कमजोर कमजोर सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं? क्या उनको दिखाई दे रहा है कि हम अकेले नहीं चल पाएंगे इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं? आसिफ, आपका पहला जो सवाल है ना कि ये तय कौन करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा इनोवेटिव है। देखिए हो सकता है सवाल तो ये मेरा ये भी है कि कमजोर कमजोर सब मिलकर, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ विकास हुआ कि नहीं हुआ ये कौन तय करेगा? ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई जनता तय करेगी। मैं बोलता हूँ जनता भी तय नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें बदल गई है। ये एडवर्टीजमेंट और प्रोपोगंडा किस तरीके से किया जाता है विकास का, ये वो मैकेनिज्म तय करता है जिससे कि पूरी जनता कन्विंस होती है कि हाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो कन्विंस हो गई विकास हुआ है, तब तो तय हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई विकास हुआ है। दूसरी चीज जो आपने बोली कि सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, 101%, देखिए मैं आज भी बोलता हूं कि बीजेपी के पास अगर नेशनल लेवल पे किसी भी पार्टी के पास स्कोप है
पूरे देश की कमान संभालने के लिए वो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस का प्रेजेंस, कांग्रेस का स्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह बना है। ये अपनी उस खूबी को नहीं देख रहे हैं, ये अपने आप को पूरा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करके एक एक जगह से मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल कभी इनके सहारे कभी उनके सहारे जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां और होती, सपा बसपा का तो मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूपी तक लिमिटेड है, या दूसरी और जो पार्टियां हैं वो अपने स्टेट तक लिमिटेड है। मेरे कहने का मतलब ये है, डेफिनेटली ये इनकी स्ट्रेटजिक कमजोरी है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे उसको मजबूती दी जाती है, और कंपटीशन से लड़ने के लिए कैसे उसको स्किल्ड किया जाता है। आपको क्या लग रहा है, के मिश्रा जी, क्या ये गफलत में आ जाए? ये गफलत आज की नहीं है, गफलत बहुत पहले की है। अगर गफलत पहले की नहीं होती तो किसानों को साथ में लेकर चलते, ये चार साल में किसानों की हालत नहीं हो गई जो अब कांग्रेस गिनाती है। आसिफ देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दें, चुनावी हार जीत जितने नेता हैं, सबसे पहले या पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अपना बेनिफिट देखती हैं, इतने लेकुना रहे हैं। आप चार साल की बात छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूं 70 साल का आप ले लीजिए। जापान एक ऐसा देश जहां कोई मिनरल और ये सब चीजें नहीं होती हैं, इतना आगे निकल गया। अगर हमारे यहां नेता लोग प्लानिंग में और इन चीजों में इतना दक्ष होते हैं ना, तो हम भी जापान वगैरह या डेवलप्ड कंट्री, 70 साल का टाइम बहुत होता है आसिफ, वो विकास और डेवलपमेंट का तो मुद्दा ही आप हटा दो। मैंने आपको बोला, 1 महीने 2 महीने पहले जो क्षमा बांधते हैं ये पॉलिटिशियन लोग, देखिए इनका काम क्या होता है, जो नेताओं का, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, विकास वगैरह तो वो होते रहते हैं, नहीं होंगे, कम ज्यादा होंगे। बिल्कुल, एक मिश्रा जी, मुझे एक बात याद आ रही, जैसे आप कह रहे हैं कि समा बांधते हैं, इस तरह से जादूगर नहीं होते, लास्ट वक्त में जो है जादू कर देते हैं कि पेट में दर्द हो जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए, तुरंत पैसा फेंक देते हैं, ऐसे ही माहौल अब बनाया जाता है। नहीं, हर वक्त सारे पॉलिटिशियन ने यही किया है। आप कोई भी इलेक्शन उठा लीजिए, अगर सपा है बसपा है, ज्यादा हो रहा है। नहीं, अब देखिए, अब ज्यादा ये हो रहा है, ये देखिए अपनी अपनी स्ट्रेटजिक रणनीति है। जिस टाइम कांग्रेस मजबूत थी तो उनके भी मुद्दे आप देखेंगे, तो मुद्दे तो इसीलिए होते हैं ना कि मुझे वोट मिले, और कैसे भी करके मुझे वोट मिले, उसके लिए डराना, कुछ भी करना, ऐसा परसेप्शन बनाना कि भाई विकास नहीं हो रहा है। अगर आप विपक्ष में बैठे हो तो चांद तारे भी कोई तोड़ के ले आ दे तो आपको विकास नहीं दिखेगा, वो चाहे बीजेपी के, यही बीजेपी जब कांग्रेस के टाइम में अपोजिशन में बैठती थी तो बीजेपी वाले भी बोलते थे कि विकास नहीं हो रहा है जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब यही क्वेश्चन उनको जो है झेलना पड़ रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा एक ये होता है कि इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाए, 100% जो है विकास के जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर होते हैं उन चीजों पे लड़ा नहीं जाता है। 2-3 महीने पहले देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, इसका डायनामिक्स, इसका प्रिंसिपल स्पेशली इंडिया में तो टोटली डिफरेंट है। केवल इंडिया ही नहीं, आप अमेरिका में भी देख लीजिए, ये एक साइकोसोमेटिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें साइकोलॉजी, मनोभाव बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में भी अगर मेन मुद्दा था तो वहां पे लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, स्टीम्ड चीजों को फोकस वहां पे किया गया, मनोभावनाओं से पूरा ये जोड़ा जाता है। कभी मनोभावना कैसे जोड़ेंगे कि जी ये जाति का, ये धर्म का, इस तरीके से जो साइकोलॉजिकली डीपली इंपैक्ट करते हैं और क्विक करते हैं। बहुत कुछ बदल चुका है, अब भारत की राजनीति में भी चुनाव भी रातों रात बदल जाता है। अब बुनियादी मुद्दों को लेकर जिक्र नहीं होता, अब तो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, तो फिर विकास कहाँ रह जाता है। एके मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जरा सरकार में अगर मैनिफेस्टो आप भी अगर अपना पूरा कर देते तो 70 साल में हमने काम किया, हमने जो मैनिफेस्टो दिया समय समय जो मैनिफेस्टो कौन से राजनीतिक दल ने पूरा किया है भाई? बड़ा बड़ा सरल है इस देश में ये कह देना, उन्होंने 70 वर्षों में क्या किया। आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज बड़ा अच्छा है एक टेबल के ऊपर बैठ के मैंने एनालिसिस करें, एनालिसिस करने से देश नहीं चलता, भारत वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ बड़ी बड़ी परिस्थितियां होती हैं, तक उसकी अर्थव्यवस्था आपके पास इजराइल कहां तक पहुंच चुका है, दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से भी तो तुलना कर लिया। मुझे हम गरीब है, हम गरीब है, कितने लोग टैक्स पेयर्स हैं,
आप मुझे बताइए। अरे तो आपने क्यों नहीं जोड़ा सर? ये आप देखिए ना, साल में बड़ा अच्छा एनालिसिस है। बात करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। आपको ऐसा टैक्सेशन का सिस्टम क्यों नहीं बनाया सर? अमेरिका में ये हो रहा है, पैरामीटर तो आपको पता है सर, सरकारों ने वो पैरामीटर बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने कितने नेताओं को भ्रष्टाचार किए हैं? आप मुझे बताइए, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों से पूछता हूँ, जिन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, आपने क्यों उन लोगों को मुझे बताइए? बड़ा बड़ा प्यार से एनालिसिस करते हैं, कोई दल काम नहीं कर रहा। अरे भैया, कोई दल ने काम नहीं किया सर, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने बोला काम किया है, लेकिन इन 70 साल की बात, आप ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन करेंगे तो जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं किया है। मैंने कब बोला कि काम नहीं किया है? मैंने ये बोला है कि जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपने क्या करा इतनी आपकी जो गई 50 साल की वजह? आपने क्या बता रहे मुझे? और कांग्रेस आदमी काम करता है, देखिए व्यक्तिगत आप तो बोल रहे हो और हम ही काम करते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने तो बोला ये आप तो बोल रहे हो ना, आपके एनालिसिस आपकी बड़ी सही थी, कांग्रेस की जो पूरी से साफ हो गई चल रहा है सर। आप एनालिसिस इलेक्शन में दिखाओ ना, आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो यही चीज जनता को समझाओ ना, आपने काम किया है? आप बात को पूरे देश से आप साफ हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं समझा पा रहे हो? देश को वोटरों को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? आप किसी आदमी के लिए यही चीज आप वोटरों को समझाइए ना, सारी जगह आप साफ हो गए, आप वोटरों को क्यों नहीं समझा पा रहे कि आपने क्या काम किया है? आप इंटरप्ट कर रहे हैं सर, ये वोटरों को समझाइए, हमें समझाने से कुछ नहीं होगा। आप एकदम आपने से बात कर रहे हैं, आप वोटरों को समझा दीजिए आपने क्या काम किया है। अगर यही चीज आपने समझा दिया होता तो आप व्यक्तिगत वक्त की कमी है, वक्त इतना ही था, वक्त खत्म हो चुका है। खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में वक्त सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत चर्चा से कोई फायदा नहीं। जनता को समझ में आना चाहिए कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। जनता सब जानती है, अगर केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया होगा तो फिर से मौका मिलेगा, और अगर पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने काम कम किया होगा या नहीं किया होगा तो फिर जनता उसको भी सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।